तो थ्योरम नंबर वन हमें क्या कह रहा है थ्योरम वन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राएंगल इज वन एट्टी डिग्री किसी भी ट्रा के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ये हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करना है तो हम देख सकते हैं कि हमने एक, एक ट्रैंगल बना लिया है एंगल एक्स वाई जेड सॉरी ट्रा एक्स वाई जेड हमने एक ट्रैंगल बनाया है इसमें हम देख सकते हैं कि तीन वर्टेक्स और तीन साइड्स हैं को तो ट्रायंगल बोलते हैं या आप जानते हैं पहले से तो अब हम देखते हैं हमें इसमें गिवन क्या क्या है हमें जो गिवन है वो सिर्फ ये गिवन है कि हमें एक ट्रायंगल मिला ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये हमारे पास है हमें प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू वन एट्टी डिग्री यानी इन तीनों एंगल्स का सम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ये हमें प्रूफ करना है ठीक है तो हमने अपना टू प्रूफ लिख लिया है अब हम देखते हैं अपना प्रूफ उसके पहले हम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं हम एक कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि पॉइंट एक्स से होकर जाने वाली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो वाई जेड लाइन की पैरेलल होगी हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो एक्स से होकर जा रही है और वाई जेड की पैरेलल है हम इस लाइन को लाइन पी क्यू नेम दे दे रहे हैं लाइन पी क्यू तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरल टू वाई जेड थ्रू पॉइंट एक्स हमने एक लाइन ड्रॉ की है लाइन पी क्यू जो कि वाई जेड लाइन की, की पैरल है और एक्स पॉइंट से होकर गुजर रही है तो हमने इस तरह तो से कंस्ट्रक्शन कर लिया अब हम चलते हैं अपना प्रूफ देखते हैं प्रूफ हम देख सकते हैं इसमें कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो लाइन पी क्यू बनाई है ये लाइन पी क्यू वाई जेड लाइन की पैरल है ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कही है हम इसको लिख भी लेते हैं पी क्यू पैरल टू वाई जेड पी क्यू लाइन वाई जेड की पैरल है हम अपना प्रूफ यहीं से शुरू करते हैं हम देख रहे हैं कि पी क्यू लाइन YZ लाइन की पैरेलल है लाइन पी क्यू लाइन की पैरेलल है अच्छा ये जो लाइन है वाई जेड PQ पी क्यू लाइन की जब पैरेलल होगी तो हम देख सकते हैं कि जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है यहां फिगर में देख रहे हैं कि एक्स वाई लाइन ट्रांसवर्सल है एक्स वाई लाइन ट्रांसवर्सल है एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल पी क्यू लाइन की पैरल है वाई जेड लाइन और एक्स वाई लाइन इन दोनों की ट्रांसवर्सल है इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल ये वाला एंगल इसको हम एंगल वन नाम दे दे रहे हैं ये वाला एंगल और ये एंगल वाई ये दोनों एंगल आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर पेयर बना रहे हैं इस तरह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों लाइनें पैरल हैं तो हम देख सकते हैं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल वाई एंगल वन इक्वल टू एंगल वाई कैसे अल्टरनेट एंगल्स हैं ये आपस में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। हैं सेम उसी तरह हम देख सकते हैं कि यही लाइन पी क्यू वाई जेड लाइन की जब पैरेलल है और ये एक्स जेड लाइन इन दोनों की ट्रांसवर्सल हो रही है एक्स जेड लाइन दोनों की ट्रांसवर्सल हो रही है तो ये एक्सजेड लाइन के ट्रांसवर्सल होने से ये वाला एंगल एंगल टू हम इसको नाम दे दे रहे हैं और ये एंगल एंगल जेड एंगल टू और एंगल जेड भी दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनाएंगे क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को कट कर रही है और पी क्यू लाइन जेड वाई जेड लाइन की पैरल है तो हम सिमिलरली ये लिख सकते हैं कि एंगल टू इक्वल टू एंगल जेड ये भी कैसे है अल्टरनेट एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं आपस में तो हमने देखा कि एंगल वन इक्वल टू एंगल वाई है एंगल टू इक्वल टू एंगल जेड है ये बात हमने यहां पर देख ली है अब हम देखते हैं कि लाइन पी एक्स क्यू लाइन पी एक्स क्यू लाइन पी एक्स क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है लाइन पी एक्स क्यू इज अस्ट्रेट लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है जब यह स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन के वन साइड में बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा यह बात हमने पहले ही पढ़ रखी है एक इसका मतलब यह हुआ कि एंगल वन एंगल एक्स और एंगल टू इसको मैंने नाम एक्स ही रखा है एंगल वन एंगल एक्स और एंगल टू ये तीनों एंगल इनका सम आपस में वन डिग्री के इक्वल होगा सो एंगल वन प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल थ्री सॉरी एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री अभी हमने देखा है कि एंगल वन की वैल्यू एंगल वाई के इक्वल है एंगल वन की वैल्यू एंगल वाई की इक्वल है और एंगल टू की वैल्यू एंगल जेड के इक्वल है एंगल टू एंगल जेड के इक्वल है हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम यहां पर दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल वन के बदले हम एंगल वाई लिख सकते हैं एंगल टू के बदले हम एंगल जेड लिख सकते हैं एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल टू वन डिग्री हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और हम देख सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू वन एट्टी डिग्री हमने प्रूव कर लिया और हमें यही बात प्रूव करनी थी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है यानी इस ट्रायंगल में एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल जेड का सम वन एट्टी डिग्री होता है हमें यही बात प्रूफ करनी थी और हमने इस बात को यहाँ प्रूव कर लिया तो आपने देखा कि ये बात यहाँ प्रूव हो गई है कि इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम वन एट्टी डिग्री होता है और यही बात ये सिर्फ हमसे बता रहा था